हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों दोस्तों, हम कर रहे थे 10th क्लास की मैथ्स, और उस मैथ्स के अंदर हम एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक हैं जैसे, तो हम कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत कुछ खास लेके आया हूँ। क्या खास लेके आया हूँ, देखो आप इस स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। थ्री क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब। द साइड ऑफ न्यू क्यूब, आपको बतानी है नए क्यूब की साइड कौन सी होगी इन चारों ऑप्शंस में से। ये तो आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां दे दिया होमवर्क, आपको कमेंट करके जरूर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सीख भी रहे हैं कुछ या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, कमेंट सभी ने करना है, चाहे गलत आंसर हो चाहे सही आंसर हो, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं आज का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं वो ये है। बच्चे इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, और इस क्वेश्चन पे भी आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन के बाद भी एक क्वेश्चन दूंगा। आज दो क्वेश्चन होमवर्क और एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इसके जस्ट इस क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके बाद भी एक नया क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आऊंगा, जो आपको होमवर्क है उसमें भी आपको कमेंट करना होगा। अब क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, बड़े सारे अंडर रूट के अंदर एक्स 6 दे दिया, फिर प्लस में 6 दे दिया, फिर प्लस में, अप टू इनफाइनाइट टाइम। अब ये जो प्लस 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 चल रहा है ना, ये कितनी बार चलेगा? इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या फाइंड करना है जी? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो मुझे एक बात बताओ कि ये जो चीजें हैं ये इनफाइनाइट टाइम चल रही हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं इसमें से ये चीज उठाऊं जो मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं, देखो आप, जो मैंने यहां बॉक्स में बंद कर दी, रेड बॉक्स में, इसको उठाऊं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं लिखूंगा बेटा वी कैन राइट, क्या लिख सकता हूं भाई मैं? एक्स, ये वाला एक्स लिखा मैंने, ये वाला लेफ्ट वाला, इक्वल टू अंडर रूट, ये वाला 6 लिखा, ये 6 प्लस, ये जो बॉक्स वाला है ना, इस पूरे को मैंने वापिस एक्स लिख दिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मैंने वापिस एक्स क्यों लिखा। देखो कोई भी चीज इनफाइनाइट बार रिपीट हो रही है, बहुत ज्यादा बार रिपीट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अगर अपने उसमें से एक बार चीज निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक समुद्र है बहुत सारा, बहुत बड़ा है ना, इसमें पानी भरा हुआ है बहुत, ये सी है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें से आप एक बाल्टी पानी भर के निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वैसा ही है ये 6 जो है यहाँ सॉरी इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, उसमें से मैंने एक बाल्टी पानी भर के निकाल लिया तो ये मेरे पास एक्स बच गया। एक बात और नजारे की बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले आप डिटेल क्वेश्चन कर लो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये बात तो समझ में आ गई अब आपको कि बॉक्स को है उसको मैंने एक्स लिख लिया, ठीक है। ये अंडर रूट जो है ये आपका इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। अब तो कुछ करना ही नहीं भाई, हो गया क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। फैक्टराइज कर लो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप कई लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी, इस एक्स को मैंने ये क्या लिख दिया, -3 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था? देखो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए था, और यहाँ मेरे पास 1 है। -3 एक्स और 2 एक्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -x आएगा, तो इसमें कोई ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं थी बच्चे। तो यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं एक्स, तो यहां बचेगा एक्स -3, और यहां से इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस का 2, तो यहां बचेगा एक्स -3 इक्वल टू 0। कलर चेंज कर लें साथ साथ, ताकि आपका भी माहौल बना रहे, आपको भी अच्छा लगे, है ना, मुझे तो माहौल बनाना जरूरी है। यहाँ एक्स -3 और एक्स -3 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे बच्चे एक्स -3, और यहाँ से ये एक्स और ये माइन +2, मैं लिख लूंगा एक्स +2 इक्वल टू 0। तो भाई क्या लिखेंगे भाई? तो यहाँ लिखेंगे एक्स -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी।
दूसरी बार में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू, और ये स्क्वायर रूट है। इसके दो आंसर आ जाएंगे आपके, एक्स की वैल्यू 3 और माइनस टू। ठीक है, 3 और माइनस टू, यहाँ माइनस टू वैसे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट टाइम है, ये बार बार प्लस ही प्लस होता जा रहा है, तो माइनस टू इम्पॉसिबल है। आंसर करेक्ट आपका है 3। करेक्ट आंसर क्या है, 3। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्या बताऊंगा भाई, शॉर्ट ट्रिक। तो अब आपका टाइम आ गया शॉर्ट ट्रिक बताने का, है ना। तो थोड़ा सा स्माइल कर दो पहले, देखो शॉर्ट ट्रिक के नाम पे स्माइल जरूरी है ना। अगर स्माइल नहीं करेंगे तो अच्छा कैसे लगेगा क्वेश्चंस को। देखो जी, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 6 + 6 + 6 + 6, ऐसा इनफाइनाइट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो डिजिट है ना जी सिक्स, 1 मिनट के क्वेश्चन अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो डिजिट है सिक्स, इसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। इसको मैंने लिख लिया जी 2 × 3। ठीक है जी, 6 को क्या लिख लिया, 2 × 3 लिख लिया। बस इसमें से जो बड़ा आंसर है, इसमें से जो बड़ा आंसर है, बड़ा जो फैक्टर है, यही आपका आंसर है, बात खत्म। अरे इतनी जल्दी हो गया, बहुत ईजी था, जो 6 है उसके फैक्टर कर दो 2 × 3, इनमें से जो बड़ा है वो फाइनल आंसर, बात खत्म, कहानी खत्म। अब अपने क्वेश्चन की कहानी खत्म हुई है, वीडियो की कहानी खत्म नहीं हुई। अगली स्क्रीन पे आप देख रहे हो, देखो क्या देख रहे हो, एक अच्छा क्वेश्चन देख रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर आज का 2 है। 2 1 कौन सा था, जो 1 पहले मैंने वीडियो स्टार्टिंग में आपको होमवर्क दिया, ये भी आपका होमवर्क है। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए आएगा। इनके आंसर बताना है, इसका आंसर चारों में से क्या आएगा, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आने हैं ना, कितने क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चंस, तो आपको ध्यान रखना है जी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू दोस्तों, बड़ी सारी स्माइल के साथ, थैंक यू।